लव यू बच्चों। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे भीम बैच के अगले लेक्चर की, और आज क्लास है, आज एमसीक्यू नहीं है बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिछले लेक्चर में जहां तक मैंने आपको लीव पढ़ाई थी स्ट्रक्चर ऑफ लीव के बाद, आज हम लोग बात करेंगे किस में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द लीव्स वेनेशन टाइप ऑफ लीव्स, शिरा विन्यास और पत्ती के प्रकार। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मजा आएगी, और चलते रहिएगा, रेगुलर रहिएगा। मेरी तरफ से अब की बार ब्रेक नहीं होगा। कल कई बच्चों ने कहा सर आप ब्रेक कर दे, तो इस बार नहीं होगा बेटा, 5 मई तक कंटिन्यू चलेगा। तो ये एक तरफ रिवीजन क्लास आपकी चल रही है, और 3 दिन रिवीजन क्लास और 3 दिन आपको डीपीपी की क्लास मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए आज के नई क्लास के बारे में। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन का मतलब क्या है? लीफ वेनेशन का मतलब है यहां पर शिरा विन्यास और पत्ती के प्रकार। देखो हिंदी वाले बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। क्या मैंने कहा शिरा विन्यास द लीफ वेनेशन टाइप ऑफ लीव्स यानी पत्ती के प्रकार। तो सबसे पहले हमारा जानना क्या जरूरी है कि ये वेनेशन होता क्या है, वेनेशन किसे कहते हैं। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि पत्ती के भाग होते हैं, और इस पत्ती के भाग में एक चीज आपको बताई गई थी कि ये जैसे कोई लीफ है, या आप लीफ देख रहे हो ऐसे कोई लीफ है, और इस लीफ में इस प्रकार से यहां पर ऐसे इसके अंदर बहुत सारी पतली पतली रेखाएं जैसी आपको, या पतली पतली नलिकाएं जैसी, डंठल जैसी रचनाएं आपको दिखती हैं। इसमें से ये वाला जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं इसको? मिडरिब या मध्य नाड़ी, इसे कहते हैं मिडरिब या मध्य नाड़ी, ठीक है। और ये जो दिख रही इनको हम कहते हैं शिराएं, या बेटा इसको हम लोग कहते हैं वेंस, ठीक है। अब देखो यहां पर शब्द क्या कह रहा है, वेनेशन। वेनेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी पत्ती में ये जो शिराएं हैं इनके लगने की व्यवस्था को वेनेशन कहते हैं। हाउ टू अरेंज वेंस इन अ लीफ लेमिना, क्या मतलब बना इसका? इसका सीधा मतलब बन रहा है हाउ टू अरेंज How to arrange veins in leaf lamina? क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि किसी पत्ती में शिराओं के लगने की व्यवस्था को वेनेशन या शिरा विन्यास कहते हैं। लीजिए साहब, नोट्स बनाने का भी झंझट खत्म कर दिया मैंने। क्या कहा यहां पर कि किसी भी पत्ती में शिराओं के लगने की व्यवस्था के कैसे व्यवस्थित है इसे हम वेनेशन या शिरा विन्यास कहते हैं। हाउ टू अरेंज वेन्स इन लीफ लेमिना,
किसी पत्ती के पर्ण फलक में इन शिराओं के लगने की व्यवस्था को हम वेनेशन या क्या कहते हैं बेटा, इसको हम शिरा विन्यास कहते हैं। और शिराएं कहाँ है, ये है, वेन्स कहाँ है बेटा, यहां पर ये है। चलिए बात को आगे बढ़ाते, अद की बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर वही चीज यहां पे लिखी, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। किसी भी पत्ती में शिराओं के लगने की व्यवस्था को हम वेनेशन या शिरा विन्यास कहते हैं। वेनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। अब यहां पर रेटिकुलेट वेनेशन की अगर बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या है, जालिकावत शिरा विन्यास और पैरेलल को हम कहते हैं यहां पर समांतर शिरा विन्यास। क्लियर हुई बात, यानी दो प्रकार से किसी भी पौधे में दो प्रकार से ये वेन के लगने की व्यवस्था हो सकती, पहला रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा पैरेलल वेनेशन। हिंदी की बात करें तो शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक होता है जालिकावत शिरा विन्यास और दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। अब देखो बहुत बेसिक बात एक यहां पर आप समझे, और बेसिक बात बेटा ये है यहां पर कि अब हमें यह समझना पड़ेगा कि जालिकावत शिरा विन्यास क्या है और समांतर शिरा विन्यास क्या है। जरा आप स्क्रीन पर देखिएगा, दोनों बातें मैं एक साथ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले बात हुई जालिकावत शिरा विन्यास की, यानी रेटिकुलेट वेनेशन की। तो जैसे ये कोई लीफ है, कौन से कलर से लिखूं भाई, चलिए व्हाइट से लिखते हैं। जी हाँ, अब जैसे ये कोई यहां पर आपको लीफ दिख रही है, ये दिखी लीफ। अब लीफ में ये क्या दिख रही है, ये वेंस दिख रही, देखो ऐसे, ये वेंस दिख रही कि नहीं दिख रही, ये वेंस दिख रही है आपको। एक दूसरी लीफ और बनाते हैं, एक लीफ सपोज करो ये है, इस तरीके से एक लीफ, इस तरीके से एक लीफ यहां पर बनी। अब दोनों लीफ को आप देखिए, कुछ अंतर आपको दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है, इसमें जो ये वेन्स दिख रही हैं, ये वाली वेन जो दिख रही हैं, दोनों में वेन्स को देखिए, यहां पर वेन्स कैसी दिख रही है बेटा, यहां पर नेटवर्किंग के फॉर्म में वेन्स दिख रही है, जाल बनाते हुए वेन्स दिख रही। तो इस प्रकार की पत्ती में कैसा शिरा विन्यास है, रेटिकुलेट या जालिकावत शिरा विन्यास। और इस वाली लीफ में कैसा दिख रहा है, इस वाली लीफ में सारी जितनी भी वेन्स है वो एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंजमेंट में व्यवस्थित है। तो हमें देखना क्या है, ये अब देखो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर इस प्रकार की लीफ पीपल में पाई जाती, पान में पाई जाती, मनी प्लांट में पाई जाती, आम में पाई जाती। बेसिकली ऐसे कहां तक याद रखोगे, तो बस ध्यान रखो कि जालिकावत शिरा विन्यास जो बेटा है ये कहां पाया जाएगा, डाइकॉट लीफ में, किसमें, द्विबीजपत्री पत्तियों में पाया जाएगा। और ये कहां पाया जाएगा, ये पाया जाएगा मोनोकॉट लीफ में पाया जाएगा। क्लियर हो गया, मोटा मोटा उदाहरण समझ लो, ये वाली कहां पाई जाएगी, जालिकावत या रेटिकुलेट पाया जाएगा डाइकॉट में, आम नीम जामुन पीपल पाकल बरगद धतूरा बैंगन टमाटर सब क्या है, सब डाइकॉट। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो बाद में बताते हैं, पहले समझो मोटा मोटा। और मोनोकॉट लीफ कहां पाई जाएगी, जहां भी समांतर से जो वेन्स है वो पैरेलल अरेंज हो। और ये क्या बताया मैंने, मोनोकॉट, मोनोकॉट कौन कौन से हैं, देखो ज्वार बाजरा मक्का गन्ना केला सब में ऐसी होती कि नहीं होती, सब में होती कि नहीं होती, और ये सब क्या है, ये सब मोनोकॉट है। तो आई थिंक दो बातें आप समझ गए कि वेनेशन क्या होता है
और दूसरी बात हमने क्या समझी कि वेनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है रेटिकुलेट जब वेन्स नेटवर्किंग के फॉर्म में हो, और पैरेलल कब माना जाएगा, पैरेलल कब माना जाएगा, पैरेलल तब माना जाएगा जब वेन्स पैरेलल अरेंज हो। फिर इनके एग्जांपल की बात थी, तो रेटिकुलेट का एग्जांपल डाइकॉट और किसका, पैरेलल का एग्जांपल मोनोकॉट। क्लियर हुई बात, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब लिखने की वजह से मैं यहां पर लिख देता हूं, समझा तो मैंने पूरी बात थी। अब जैसे आपको नोट्स बनाने बेटा, तो एक व्यवस्था आई कि रेटिकुलेट वेनेशन कब होगा, व्हेन द वेनल्स फॉर्म नेटवर्क, अभी बात चल रही थी, द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन, लीव्स ऑफ डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स जनरली प्रोसेस दिस वेनेशन। बात सारी वही आ गई कि जब क्या हो, जब किसी पत्ती में नेटवर्क फॉर्म में वेन्स पाए जाते हैं तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। अब देखो आप, अभी मैंने बनाई थी, अभी यहां पे देख लीजिए आप, अब आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, देखो ये पान की पत्ती दिख रही है, सहतूत ऐसा होता है, सहतूत की पत्ती आपको दिख रही, इधर देखिए यह भी कैसा दिख रहा है आपको, अरे इमेज सामने है, आप विजुअलाइज कीजिए, सब्जेक्ट हमेशा विजुअलाइज किया जाता है, रटा नहीं जाता बेटा। तो यहां पर देख रहे हो ना, ये कैसा है रेटिकुलेट वेनेशन, ये कैसा है, यहां भी रेटिकुलेट वेनेशन है। तो क्लियर हो गया ना सबको कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। चलिए अब बात को बढ़ाते हैं आगे, यही बात अभी मैंने आपको बताई पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या है कि व्हेन द वेन्स एंड वेन्यूल्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना द वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल वेनेशन, लीव्स ऑफ मोनोकोटिलेडनस प्लांट जनरली प्रोसेस दिस वेनेशन। जब सभी पाई जाने वाली वेन्स कैसी हो, अब आप देखिए यहां पर दो पत्तियां बनी हैं और इन दोनों पत्तियों में आप एक खास बात देख रहे हो कि इसमें जो देखिए ये कैसे दिख रही, सारी की सारी ये यहां पर ऐसे एक दूसरे के साथ कैसी दिख रही, कैसी दिख रही, पैरेलल दिख रही। यहां भी देखिए आप, यहां पर ये दिख रहा है ना, ये कैसी दिख रही बेटा, यहां पर ये दिख रही है कि सारी की सारी वेन्स इस प्रकार से ये पैरेलल दिख रही, दिख रही कि नहीं दिख रही। तो ये हमारा हो गया पैरेलल वेनेशन। तो दोनों बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे की बात करेंगे, यहां पर आगे की बात क्या करेंगे, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, टाइप ऑफ लीव्स की बात करें, पत्ती के प्रकार की बात करते हैं। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ अपीयरेंस ऑफ द लीफ लैमिना, appearance of the leaf lamina are classified into two type, namely simple leaf and compound leaf. कहने का मतलब क्या है यहां पर, ये सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं भाई, हाँ तुम समझो एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन टू लाइन यहां पर क्लियर हो रही। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, टाइप ऑफ लीफ की बात अभी की गई, तो टाइप ऑफ लीफ में एक बात समझो कि टाइप ऑफ लीफ जो है वो किस पर आधारित है, बेसिस ऑन द लीफ मॉर्फोलॉजी, किसी भी पत्ती की संरचना के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, अंग्रेजी में सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है सिंपल लीफ और दूसरा लिखा हुआ है कंपाउंड लीफ, लिखा हुआ कि नहीं लिखा। अब इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो सिंपल का मतलब क्या हो गया, एक तो हो गई हमारी साधारण पत्ती और दूसरी बेटा क्या हो गई संयुक्त पत्ती, एक हो गई साधारण पत्ती और दूसरी क्या हो गई संयुक्त पत्ती। तो इस प्रकार पत्ती के पर्णफलक की संरचना के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है साधारण पत्ती और दूसरी होती है संयुक्त पत्ती। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी और अपीयरेंस ऑफ द लीफ लैमिना, लीव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, वन इज कॉल्ड द सिंपल लीफ एंड अदर इज कॉल्ड द कंपाउंड लीफ। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर बात समझने वाली बात यह है कि सिंपल लीफ किसे कहते हैं, इन दिस लीफ द लेमिना इज इंटायर और इफ इनसाइज द इंसर्शन डस नॉट टच द मिडरिब,
ये लाइन एनसीईआरटी की, अब इससे आप क्या समझोगे, इसी को समझने के लिए आप बोर्ड पे देखो। देखो क्या देखना, जैसे कोई पत्ती है, मान लीजिए ये कोई पत्ती है, अब इसका ये लीफ लेमिना जो है ये कहीं से कटा फटा नहीं है ऐसे। अब जब कहीं से कटा फटा नहीं है, पूरी तरह से इंटायर ये स्मूथली आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे बेटा हम सिंपल या साधारण लीफ, सिंपल या साधारण पत्ती। क्लियर हुआ? मान लेते हैं, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ऐसा दिख रहा है, ये सामने इमेज देखिए ऐसा दिख रहा है। अब इस इमेज में आप एक चीज क्या देख रहे हो, इस इमेज में देखो आप, इस इमेज में देख रहे हो ये यहां से कटी हुई है, फिर ये इस तरीके से ऐसे 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 यहां से कटी फटी है ऐसे। अब इस कटी फटी वाली मामला ये दिख गया ना, मैंने इसको और थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरिफाई किया कि कई बार ऐसा भी आपको दिखेगा कि पत्ती कई जगह से कटी फटी दिख रही। तो क्या सर, जब कटी फटी होगी तो क्या पत्ती सिंपल नहीं होगी? मैंने क्या कहा यहां पर, ऊपर समझो कि लेमिना इज इंटायर, एक कंडीशन तो ये वाली थी कि लेमिना इज इंटायर, यहां पर कोई कटी फटी नहीं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा, और इफ इनसाइज्ड, अगर कटी फटी, इनसाइज्ड का मतलब यहां पर क्या है, कटी फटी, द इंसिशन डस नॉट टच द मिडरिप। अब अगर मान लीजिए दूसरी पत्ती आप देखिए, दूसरी पत्ती आप देखिए कहां पे देखोगे, स्क्रीन पे, मान लीजिए दूसरी पत्ती ये है, अब इसका ये लेमिना इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसमें तो कई कटान है लेकिन ये कटान इस मिडरिप को नहीं छू रहे हैं। ये मिडरिप आपको जो दिख रही है यहां पर, ये जो इंसेशन शब्द अंग्रेजी में बोला गया, इसका मतलब है कटाव। अगर ये कटाव जो है ये मध्य, यानी यहां पर क्या है, ये मिडरिब है, ये मिडरिब है कि नहीं है, मध्य नाड़ी, अगर ये कटाव मध्य नाड़ी को नहीं छूता है तो भी पत्ती कैसी होगी, सिंपल होगी, तो भी पत्ती कैसी होगी, सिंपल होगी। दो बातें, पहली बात कि कटान नहीं है तो सिंपल है, मान लीजिए कटान है तो वो कटाव जो है, इंसेशन जो है, डू नॉट टच द मिडरिप, वो मध्य नाड़ी को ना छुए। क्लियर हुई बात? चलिए अब आगे की बात करते हैं, फिर हमारी बुक क्या लिखती है, हमारी बुक बच्चों लिखती है यहां पर कंपाउंड लीफ्स के बारे में। सिंपल लीफ समझ गए आप, कंपाउंड लीफ के बारे में, इन दिस लीफ द इंसेशन लूज और द लेमिना रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग इन टू द नंबर ऑफ लीफलेट्स। देखिए पहली बात का मतलब समझो, इसमें वो कह रहे हैं कि अब जैसे ये मिडरिप है, यहां पर ये आपको मिडरिप दिख रही, ये मिडरिप है, अब इसमें जो कटान है वो इस तरीके से ऐसे, अब ये देखो ये लीफ लेमिना इस तरीके से ये कटान है ऐसे, ये कटान दिख रही आपको, ऐसे कटान दिख रही, या जैसे अभी बात की थी, मान लीजिए ये कटान गया और यहां इसने मिडरिप को छू लिया, फिर कटान गया और फिर इसने मिडरिप को छू लिया, फिर कटान हुआ, फिर मिडरिप को छू लिया, फिर कटान हुआ, फिर मिडरिप को छू लिया। इस प्रकार से अगर कोई लेमिना इस तरीके से बार बार कटान को छू रहा है, ऐसे छू रहा ना कटान को, देखो लेमिना वही है लेकिन मिडरिप को छू रहा है, ऐसी कंडीशन में कोई पत्ती को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त पत्ती बोलेंगे या कंपाउंड लीफ बोलेंगे। अब यहां पर जो ये आपको दिख रहे ना, इनको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लीफलेट्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको, इनको बोलेंगे लीफलेट्स, पत्रक। क्लियर हुआ बात, समझ में आई पहली लाइन, इन दिस लीफ द इंसाइशन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। अगर किसी पत्ती में कटान उसकी मध्य नाड़ी को छोटे छूते हुए छोटे छोटे पत्रकों में बट जाती है तो ऐसी पत्ती हमेशा संयुक्त पत्ती कहलाएगी, कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू पे चले, अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सिस ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ्स आर टू टाइप। देखो हमेशा सिंपल लीफ में क्या होता था,
कि पति के कक्ष में, जैसे यहां पर देख सकते हो आप, कहां पे दिखाएं, कहां पे दिखाएं, चलो यहां पे दिखा देते हैं आपको, ये वाली पत्तियां हटा देते हैं, इस वाली पत्ती को यहां से ऐसे हटा देते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे ये सिंपल लीफ थी, अब मान लीजिए सिंपल लीफ है तो सिंपल लीफ में यहां पर एक ऐसे बर्ड पाई गई थी इस जगह पर, लेकिन इस वाली लीफ में आप देख रहे कहीं भी बीच में एक्सिस नहीं पाई जाती, कंफर्म हुआ। अब बात आती है कि सिंपल लीफ कितने प्रकार की होती है, तो सिंपल लीफ बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होती पालमेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। चलिए देखते हैं पिनेटली कंपाउंड क्या है। पिनेटली कंपाउंड लीफ, इन अ पिनेटली कंपाउंड लीफ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैकिस। उदाहरण क्या दे रहा, नीम। इस प्रकार की पत्तियों में, ये आप नीम की पत्ती देखो, मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये जो डंठल जैसी रचना दिख रही है इसे हम कहते हैं रैकिस। क्या कहते हैं? रैकिस। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं लीफलेट्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको? लीफलेट्स। इसको बोलते हैं रैकिस। किसे? थोड़ा उसको और क्लियर करता हूं, रैकिस कहां पे दिख रही है आपको, ये देखो, ये और क्लियर हो गई, ये रैकिस दिखी। हाँ, ये वाला जो पॉइंट आपको बीच में दिख रहा है, नीम की पत्ती तो देखी होगी, बीच में जो ये दिख रहा है ये पूरी एक पत्ती है, संयुक्त पत्ती है। और कैसी संयुक्त पत्ती है? पिनेटली कंपाउंड लीफ से। विशेष बात क्या है कि इस पर बहुत सारे लीफलेट्स लगे हुए, लेकिन सारे लीफलेट्स एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर पर लगे, और इन स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर को हम रैकिस कहते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ, समझ में आया? उदाहरण क्या हो जाएगा? नीम। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल और भी आपको दिखे, समझ जाइएगा कि ये कंपाउंड लीफ। अब जरा दूसरा देखिए, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया, पाल्मेट का मतलब क्या, पाम का मतलब होता है हस्ताकार, हथेली के आकार। अब इसमें विशेष बात क्या है कि सारी की सारी फिंगर्स जो है वो एक ही पॉइंट से लगी हुई है। इस बात को समझ जाओगे तो ये बात समझ जाओगे। अब इसका क्या मतलब हुआ जरा समझो, इसका मतलब है इन पिनेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ द पेटियोल। यहां पर सामने आपको दिख रहा है ये बॉम्बेक्स यानी सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्या एग्जाम्पल बताया मैंने इसका, सिल्क कॉटन। और ये वाली बात जो है ना, इसको जरा हमारे साथ भी देखो, इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी पत्ती में इस प्रकार से किसी एक कॉमन पॉइंट से सारी लीव्स लगी होती हैं, ऐसे एक ही कॉमन पॉइंट से सारी लीफ लगी हुई हैं, तो इस प्रकार की पत्तियों को हम कहते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी ने लिखा सिल्क कॉटन। क्लियर हुआ? यहां पर क्या हो रहा, ये देखिए, ये बेटा हमारा क्या है, ये है हमारा कॉमन पॉइंट। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ कि इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स, यहां पर लीफलेट्स कौन, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या हैं, लीफलेट्स। और कहां से लगे हैं, इस जगह से, एक कहां से लगे बेटा, कॉमन पॉइंट से लगे हैं, कॉमन पॉइंट दिख गया इस तरीके से, इस कॉमन पॉइंट से लगे हुए। क्लियर हुआ? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक समाप्त हो गया। अब बेटा इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है कि इसमें नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेनेशन इंक्लूड्स अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट्स, लीव्स नहीं, पत्तियों की लगने की व्यवस्था को थोड़ी कहते हैं वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ रूट, नो वेनिश, ये क्या, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। एकदम से सही आंसर है ये कि किसी भी पत्ती में वेन्स के लगने की व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम वेनेशन कहते हैं। जरा एक और टाइप देखिए, यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, पैरेलल वेनेशन इन सीन इन, किसने बताया था मैंने कि समांतर शिरा विन्यास हमेशा कहां पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री पौधों में पाया जाएगा।
पाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपाउंड लीव्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप। तो दो प्रकार इसके बताए थे, एक तो क्या बताया था, एक बताया था हमने कि पिनेटली कंपाउंड, और दूसरा क्या बताया था, पाल्मेटली कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दो। कंपाउंड लीव्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, तो कंपाउंड लीव्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड अदर इज कॉल्ड पाल्मेटली कंपाउंड लीव। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर हो। लगातार लाभ लेने के लिए भीम बैच से जुड़िए, मजा आ जाएगा, इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई एमसीक्यू क्लास के साथ, यानी अगली क्लास आपकी जो होगी वो डीपीपी की होगी और एनाटॉमी की होगी। देखना ना भूलिए, जुड़िए और अपने साथ साथ नए स्टूडेंट्स को भी जोड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मई तक सिलेक्शन सिक्योर करें राहुल सर के साथ। बाय बाय बच्चों।